Hello class, good morning. How are you all? Hope you all are doing well. Today we will be starting with our first class. This is our science textbook content. These are the chapters we are going to go through for the rest of the year. And we will be starting with the first chapter. That is, where does it comes from? That is food. Food कहाँ से आता है? ठीक है? So, let's begin with the chapter. First of all, food. When we say food, we all require food for living. Say it is animals, birds, human beings, plants, even plants also need food. So we all of us need food to survive. So from where does this food comes from? What did you eat at the home today? Find out what your friend ate today. And did you eat the same kind of food yesterday and today? We all eat different kinds of food at different times, isn't it? देखो हम सुबह जो नाश्ता करते हैं उसको हम बोलते हैं सुबह जो खाना खाते हैं उसको हम बोलते हैं नाश्ता या ब्रेकफास्ट. दोपहर को जो हम खाना खाते हैं उसको बोलते हैं लंच. रात को जो हम खाना खाते हैं उसको बोलते हैं डिनर. और खाने में भी अलग अलग वेराइटीज़ होती है. कुछ चीज़ें नाश्ते में खाई जाती है, कुछ चीज़ें लंच में खाई जाती है, कुछ चीज़ें डिनर में खाई जाती है. राइट? सो देर इज़ फूड फॉर डिफरेंट ओकेशंस एंड डिफरेंट टाइम. जैसे आज आपका बर्थडे है तो आज आप सिर्फ रोटी चावल दाल सब्ज़ी नहीं खाओगे, क्योंकि कुछ मिठाई भी बनाओगे या पिज़्ज़ा बर्गर केक बनाओगे. राइट? सो डिफरेंट, कहीं शादी में गए हैं तो बहुत सारी वेराइटीज़ मिलेगी. डोसा भी मिलेगा, इडली भी मिलेगी, पानी पूरी भी मिलेगी. राइट? तो और कहीं मंदिर में गए हैं तो वहाँ का प्रसाद एकदम सादा सरल. राइट? सो हर जगह के लिए, हर त्यौहार के लिए, हर ओकेशन के लिए, हर सीज़न के लिए अलग अलग फूड है हमारे पास. इतनी सारी वेराइटीज़ है खाने के लिए. राइट? सो varieties of food. Ask your friends in the school about the items they would be eating during a day. See if you can also get this information from friends staying in different states of India. List all the items in your notebook as shown in the figure table 1.1 as many friends as possible. To dekho, जैसे हमने बोला कि हर सीज़न के लिए अलग फ्रूट होता है, फूड होता है. राइट? हर सीज़न में अलग अलग किस्म के फ्रूट्स भी आते हैं. अब इंडिया इज़ ए वास्ट लैंड ऑफ वैरायटी. हम गुजरात में खाते हैं, पंजाब में कुछ और खाते हैं, केरला में कुछ और खाते हैं, असम में कुछ और खाते हैं. राइट? सो अलग अलग जगह की अलग अलग वेराइटियाँ होती हैं, तो आपको पता चलेगा कि कौन सी जगह पर कौन कौन सी चीज़ें हैं. देयर सीम्स टू बी सो मच वेराइटी इन द फूड दैट वी ईट. वॉट आर दिस फूड आइटम्स मेड अप ऑफ? तो बहुत सारे फूड हम खाते हैं, वो सब किस चीज़ से बने हुए होते हैं? थिंक अबाउट द राइस कुकड एट होम. वी टेक द रो राइस एंड बॉयल इट इन द वॉटर. जस्ट टू मटेरियल्स और इन्ग्रीडियंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर द डिश ऑफ ए बॉइल्ड राइस. ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड अप विथ मैनी इन्ग्रीडियंट्स. टू प्रिपेयर द वेजिटेबल करी वी नीड डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेबल, सॉल्ट, स्पाइसिस, ऑयल एंड सो ऑन. तो जैसे अभी बोला कि सिर्फ चावल की बात करें तो हमें पानी, नमक और चावल ही चाहिए. अगर वेजिटेबल करी करी तो बहुत सारे वेजिटेबल्स चाहिए, मसाले चाहिए. राइट? पाव भाजी बनाई तो उसके अंदर टमाटर, पोटैटोज़, बहुत सारे मसाले, लहसुन, है ना, ये सारी चीज़ें चाहिए होगी हमें.
So there is one more activity. Choose some of the items you listed in the table 1 and try to find out what ingredients are used to prepare this. By discussing with your friends and elders at home, list them in table 1.2 and some examples are given here. Add some more items to the list. जैसे यहाँ पर देखो एक table बनाई हुई है, उसमें हमको दो कॉलम बनानी है, एक में फूड आइटम का नाम लिखना है, दूसरे में उसके बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर रोटी और चपाती है, तो उसके लिए हमें चाहिए आटा चाहिए और पानी चाहिए, घी भी चाहिए, तेल भी चाहिए, नमक भी चाहिए, है ना। तो ये सब इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। फिर दाल बनानी है तो पल्सेस की ज़रूरत पड़ेगी, पानी की ज़रूरत पड़ेगी, सॉल्ट की ज़रूरत पड़ेगी, ऑयल, घी, स्पाइसेस, राइट। उसी तरह आप जैसे मैगी बना रहे हो, है ना, कुछ नहीं चाहिए उसमें, सिर्फ पानी चाहिए और मैगी का जो मसाला दिया वो साथ में डाल दो तो हो गया। सो ऐसे बहुत सारे आइटम्स आप जो भी बनाना चाहो लिस्ट, बड़ों को पूछो, फ्रेंड्स को पूछो उसमें क्या क्या चाहिए। So what do we find? Do we find some ingredients common for different food items? Discuss in the class. So where does these ingredients come from? अभी देखो जैसे मैं आपको बताऊँ कि डोसा की बात करें तो उसमें चाहिए चावल, राइट, और सांभर। इडली की बात करें तो भी चाहिए हमको थोड़ी सी दाल, राइट, और चावल। है दोनों एक ही चीज़ लेकिन नाम क्या बन गया उसका, एक का नाम हो गया इडली, एक का नाम हो गया डोसा, राइट। तो कुछ कभी कभी एक कुछ आइटम्स ऐसी होती है जिसमें चाहिए तो वही। अभी जैसे मैं आपको बताऊं कि पेड़ा, मुंह में पानी आ गया ना पेड़ा के नाम सुनने से, ठीक है। तो पेड़े के लिए हमको चाहिए शुगर, मिल्क, राइट। गुलाब जामुन बनाना है तो मिल्क पाउडर, शुगर, राइट। बर्फ़ी बनानी है तो अगेन मिल्क या मिल्क पाउडर, शुगर। तो पेड़े में भी वही है, बर्फ़ी में भी वही है, गुलाब पाक में भी वही है, सब में चीज़ें तो वही है लेकिन नाम अलग अलग है क्योंकि हमने उसको अलग अलग तरीके से प्रिपेयर किया है ना। तो कुछ आइटम्स जो होती हैं वो कॉमन होती है, वो सब में वही यूज़ होती है लेकिन जब नई डिश बनती है तो उसका नाम अलग हो जाता है। सो फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेस, सोर्स मतलब कहाँ से आता है ना, दैट इज़ नोन एज सोर्स। और फूड मटेरियल्स जो है वो कहाँ से हमको प्राप्त होते हैं, राइट। सो इट मे बी ईजी फॉर अस टू गेस द सोर्सेज ऑफ सम ऑफ द इन्ग्रीडियंट्स दैट वी लिस्टेड इन टेबल 1.2। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फॉर इंस्टेंस, वेयर डू दे कम फ्रॉम? प्लांट्स ऑफकोर्स। देन वॉट आर द सोर्सेज ऑफ राइस और वीट? तो राइस और वीट हमको कहाँ से मिलेंगे? You may have seen the paddy or the wheat fields with the rows and rows of plants which gives us these grains. And then there are food items like the milk, egg and meat which comes from the animals. तो हमें plants और animals में से ही ज़्यादातर खाना मिलता है, right? So let us see one more activity here. Let us take the food items listed earlier and try to find out where they came from, the ingredients and their sources. Some examples are shown in the table 1.3. Fill in the blanks in the table 1.3 and add more examples to the list. देखो ये sources of wheat है, food grains है, paddy है, wheat grains है, right? किसान उसको खेत में उगाता है। यहाँ पर एक table दी हुई है, उस table में हमें क्या करना है के फूड आइटम का नाम लिखना है, उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या बनते हैं और वो सोर्स कहाँ से है। जैसे इडली की बात करी तो उसमें राइस चाहिए, उड़द दाल चाहिए, सॉल्ट चाहिए और वाटर चाहिए। अभी राइस हमको मिलेंगे प्लांट में से, उड़द दाल मिलेगी प्लांट में से, सॉल्ट मिलेगा समुंदर में से, पानी मिलेगा बारिश का पानी होता है, राइट। तो कुएं में से भी पानी मिल सकता है, नदी में भी मिल सकता है। जनरल सोर्स ऑफ वाटर इज़ रेन वाटर, बारिश का पानी आएगा फिर वो नदी में भी जाएगा, तालाब में भी जाएगा, कुएं में भी जाएगा, जहाँ से हम उसको ले सकते हैं। उसी तरह चिकन करी है, खीर है, राइट। तो अलग अलग आइटम्स है उसका सोर्स निकाला हुआ है। व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम द एक्टिविटी 3? Plants are the source of food ingredients like greens,
सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। तो प्लांट्स जो है उसमें से हमको क्या क्या मिलेगा, ग्रेन्स मिलेंगे, सीरियल्स मिलेगी, वेजिटेबल्स मिलेगी एंड फ्रूट्स भी मिलेंगे। एनिमल्स प्रोवाइड्स अस विद द मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स एंड एग। तो जानवरों से हमें क्या मिलेगा, मीट, मिल्क एंड एग्स। काउ, गोट्स एंड बफेलोज आर सम कॉमन एनिमल्स विच गिव्स अस मिल्क। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर, क्रीम, चीज़ एंड कर्ड आर यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड। कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव्स अस मिल्क। तो और ऐसा कौन सा जानवर है जो हमें दूध दे सकता है, ये तो कॉमन है, काउ, गोट एंड बफेलो, राइट। क्या एनिमल में हमें एलिफेंट दूध दे सकता है, कैमल दूध दे सकता है, शिप दे सकती है, ये हमको फाइंड आउट करना है। और कौन से एनिमल्स हैं, जिराफ है, क्या वो हमको दूध दे सकता है, हॉर्स है, राइट। ये आप सर्च करके बताना मेरे को, राइट। अब आता है प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। प्लांट के कौन से पार्ट और एनिमल्स के कौन से प्रोडक्ट्स जो हैं जो हम फूड के तौर पर ले सकते हैं, ये हम कल देखेंगे। आज यहाँ पर स्टॉप करते हैं। कुछ भी डाउट हो तो मैसेज करके पूछ सकते हो, बाकी का रिवाइज करो। मैं आपको नोट्स भेजूँगा, है ना, वो नोट्स आपको जब तक लेसन एक्सप्लेन कंप्लीट हो जाएगा, तब तक आपको एक साइंस नोटबुक बनानी है, उसमें वो सारे नोट्स जो आएंगे वो आपको लिखने के हैं। एंड जो भी बुक कंप्लीट नहीं करेगा उसको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो बुक कंप्लीट करना अच्छे से, उसके भी मार्क्स होते हैं, ठीक है। आज यहीं पर स्टॉप, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।